हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था ईंट किन चीज़ों से मिलकर बनती है और एक अच्छी ईंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप की ब्रिक्स यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ब्रिक्स बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग ब्रिक की कैटेगरीज को हमने कुछ क्राइटेरिया के आधार पर डिवाइड करा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिक को हम क्वालिटी, बिल्डिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, रॉ मटेरियल, यूजिंग लोकेशन, वेदर रजिस्टिंग कैपेबिलिटी, शेप और रीज़न, इनके आधार पर ब्रिक्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इन क्राइटेरिया के आधार पर ब्रिक्स के टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे ज़रूरी टाइप है ब्रिक्स का, वो है क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर हमारी ब्रिक तीन टाइप की होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाती है। तो पहली क्वालिटी है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए, उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म रेड होना चाहिए, ये अच्छे तरीके से पकी होनी चाहिए, इसका टेक्सचर रेगुलर होना चाहिए और इसकी जो शेप है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर इस ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो ये अपने भार का 10% से कम पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। साथ ही में फर्स्ट क्लास ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 280 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 245 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ईंट के अंदर एफ्लोरोसेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ एफ्लोरोसेंस को हिंदी में बताऊँ तो होता है सोरी लगना या कहें उत्फुलन। और अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ तो यानी कि अगर इस ईंट को पानी में डुबो कर रख दें तो अगर इस ईंट को सूखने पर इसके ऊपर सफ़ेद टाइप का पाउडर जम जाता है तो उसको हम कहते हैं एफ्लोरोसेंस। और वो सफ़ेद टाइप का पाउडर इसलिए जमता है क्योंकि ईंट के अंदर कुछ एल्कलाइज एलिमेंट आ जाते हैं। एल्कलाइज एलिमेंट मतलब क्षारीय तत्व ईंट के अंदर आ जाते हैं, जो कि ईंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो क्षारीय तत्वों की उपस्थिति ईंट के अंदर होना कहलाता है एफ्लोरोसेंस। अगली क्वालिटी है, अगर फर्स्ट क्लास ईंट को आपस में टकरा जाए तो इनके अंदर से मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, या अगर हम हैमर से भी इस पर चोट करें तो मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। साथ ही में अगर फर्स्ट क्लास ईंट के ऊपर हम अपने उंगलियों की नाखून या अंगूठे का नाखून से कोई निशान लगाना चाहें तो वो निशान नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट क्लास ईंट का यूज़ हम ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं जिसकी उम्र 100 साल तक हो सकती है, और साथ ही में ऐसी बिल्डिंग जो कि हमारे इन्वायरमेंट को झेल सके। इसके बाद आते हैं हमारी सेकंड क्लास ब्रिक। तो सेकंड क्लास ब्रिक की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी है इसकी कि इसका साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म रेड होना चाहिए, अच्छे तरीके से पकी होनी चाहिए, लेकिन अगर ये थोड़ी ज़्यादा पक गई है तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है। इसकी जो शेप है वो रेगुलर होनी चाहिए, इसके ऊपर एफ्लोरोसेंस का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो ये अपने भार का 15% से जो कम है उतना पानी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। अगर इसके क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 175 से लेकर 154 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर इस ईंट को आपस में टकराया जाए या हैमर से चोट करा जाए तो इसके अंदर से मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, और साथ ही में अगर इस पर नाखून से कोई निशान लगाया जाए
तो वो निशान नहीं लगना चाहिए। इस ईंट का यूज़ हम एक स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, और हमको अगर कहीं कोई टेम्प्रेरी शेड बनाना हो जिसकी जो उम्र है 15 साल से ज़्यादा ना हो, यानी कि ऐसी बिल्डिंग और ऐसा कोई शेड जिसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता हमारी थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ हम इंजीनियरिंग वर्क्स में नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती है, जैसे कि इसका शेप एंड साइज़ वो रेगुलर नहीं होता है, इसका जो कलर है वो भी लाइट रेड होता है और हल्का पीलापन लिए होता है, ये कम पकी होती है या ज़्यादा पकी हो सकती है, इसके अंदर एफ्लोरोसेंस ज़्यादा होता है, इसका टेक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो 20% से कम होती है और 15% से ज़्यादा होती है। अगर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच रहनी चाहिए। यहाँ 105 यानी कि 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि इतनी क्रशिंग स्ट्रेंथ तो इसमें होनी ही चाहिए। साथ ही में अगर थर्ड क्लास ब्रिक को आपस में टकराया जाता है या हैमर से चोट करी जाती है तो इसके अंदर से जो साउंड है वो ब्लंट होती है, यानी वो मेटेलिक साउंड नहीं होती है, और साथ ही में अगर इस ईंट पर हम अपने नाखून से कोई निशान लगाएं तो वो निशान पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थर्ड क्लास ब्रिक जो है किसी भी एंगल से इंजीनियरिंग वर्क के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा ब्रिक का क्लासिफिकेशन शेप के आधार पर, यानी कि ईंट जो है दिखने में कैसी है। तो इसमें पहली ईंट आती है हमारी बुल नोज ब्रिक, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो एक एज है वो राउंड एंगल लिए हुए है। ये वाली जो एज आप देख सकते हैं ये राउंड एंगल लिए हुए है, ये इसकी पहचान है। और इस ईंट का यूज़ ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर जो हमारी दीवार है किसी एंगल पर मुड़ रही हो, या दीवारों के कोने पर इस ईंट का यूज़ करा जाता है। सेकंड ईंट है हमारी एयर ब्रिक। एयर ब्रिक जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस ईंट के अंदर हमारी एयर को सर्कुलेट करने के लिए होल बने होते हैं, और इस ईंट का यूज़ हम सस्पेंडेड फ्लोर और कैविटी वाल के अंदर करते हैं। थर्ड हमारी ईंट है चैनल ब्रिक। चैनल ब्रिक का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको पानी का ड्रेनेज देना हो, जैसा कि आपको इसकी शेप से दिखता है कि जो इसकी जो शेप है वो चैनल की शेप में है, ताकि इसका यूज़ करने से हम जो चैनल है उसकी शेप को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी कॉपिंग ब्रिक। कॉपिंग ब्रिक आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती हैं, जैसे कि हाफ राउंड, चैम्फर्ड, सैडल बैक और अलग अलग एंगल पर। इसकी जो मोटाई है दीवार की मोटाई के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, क्योंकि ये दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाई जाती है। इसके बाद ईंट आती है हमारी काउ नोज ब्रिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने इसका जो एंगल है दोनों ओर से राउंड होता है, और आप देखेंगे जब हमने बुल नोज पढ़ा तो इसमें क्या होता है, एक जो एंगल है वो राउंड होता है, जबकि काउ नोज में हमारे जो दो एंगल हैं दो एंगल राउंड होते हैं, एक यहाँ पर और एक ये। तो इस तरीके की जो ईंट है वो काउ नोज ब्रिक कहलाती है। इसके बाद आता है कैपिंग ब्रिक। इस तरीके की जो ब्रिक है हमारी पैरापेट, पैरापेट होती है मुंडेर, जो हम जब हम छत पे जाते हैं तो छत के चारों ओर बाउंड्री करी होती है उसको हम मुंडेर, और इंग्लिश में उसको हम पैरापेट बोलते हैं, या फिर जो फ्री स्टैंडिंग वॉल्स है इसकी जो ऊपरी सतह है उन सतहों पर कैपिंग ब्रिक लगाई जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी दीवार है, फ्री स्टैंडिंग वॉल है, और जो इसके ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हमने कैपिंग ब्रिक का यूज़ करा है, ये हमारी
कैपिंग ब्रिक। इसके बाद आता है ब्रिक पैनियर। ये ब्रिक बहुत ही पतली होती हैं और क्लैडिंग के काम आती हैं। क्लैडिंग का मतलब जिस तरीके से हम टाइल घर के अंदर लगाते हैं एस्थेटिक लुक के लिए, उसी तरीके से इस ईंट को हम कमरे के अंदर एस्थेटिक लुक के लिए लगाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कमरे का अंदर का एरिया है जहाँ पर ये जो ईंट लगी हैं ये क्लैडिंग के रूप में लगाई गई हैं और इसको हम कहते हैं ब्रिक वेनियर्स। इसके बाद ईंट है हमारी पेविंग ब्रिक। इस टाइप की जो ब्रिक होती है इसके अंदर जो है आयरन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत मजबूत हो जाती है। इस प्रकार की जो ब्रिक हैं उनका यूज़ हम गार्डन में, मोहल्लों में देखा होगा आपने, और ऐसे जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको ग्रिपिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके कारण से इसका जो एब्रेजिव एक्शन है उसके अगेंस्ट इनके अंदर रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि ये घिसती कम है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है गार्डन में आपने देखा होगा इस प्रकार की ईंट को, ये जो ईंट है ये पेविंग ब्रिक है, आपने गार्डन में हमेशा इसको देखा होगा और आप इसके ऊपर चले भी होंगे। और ये इतनी ज़्यादा मजबूत इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इस पर साइकिल चलती है, बच्चे खेलते हैं, लोग जॉगिंग करते हैं, और जिसके कारण से इसलिए इसको हम इतना ज़्यादा मजबूत और एब्रेजिव रेजिस्टिविटी वाला बनाते हैं। इसके बाद आती है हमारी होलो ब्रिक। होलो ब्रिक आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये होलो ब्रिक है, इसके अंदर होल बने हुए हैं ये गोल गोल, जिसके कारण इसको हम होलो ब्रिक कहते हैं। होलो ब्रिक का दूसरा नाम सेलुलर और कैविटी ब्रिक भी है, आप देख सकते हैं इसका नाम कैविटी ब्रिक और सेलुलर ब्रिक भी रखा गया है। इस प्रकार की जो ब्रिक है इसका जो वजन है नॉर्मल ब्रिक के मुकाबले 1/3 होता है। 1/3 क्यों? क्योंकि ये जो होल है इनका जो वजन है वो घट जाता है। इस प्रकार की ईंट का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिंपल होता है, और इस प्रकार की जो ईंट है उसका यूज़ हम करते हैं पार्टीशन में। इसके बाद आता है हमारा परफोरेटेड ब्रिक। ये डायग्राम है जिसमें आप परफोरेटेड ब्रिक को देख सकते हैं। ये जो ब्रिक है वजन में बहुत हल्की होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। इस ईंट में लगने वाला जो क्ले का मटेरियल है उसकी भी क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है वो खाली है, इस कारण से जो क्ले की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और इसका जो वजन है वो भी कम हो जाता है। परफोरेटेड ब्रिक अलग अलग शेप की हो सकती है, चाहे वो स्क्वायर हो सकती है, राउंड हो सकती है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। परफोरेटेड ब्रिक का यूज़ हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में फ्रेम स्ट्रक्चर में करते हैं, जिससे कि जो हमारी रोशनी है वो आर पार आसानी से आ जा सके। इसके बाद आता है हमारा बिल्डिंग प्रोसेस के आधार पर ब्रिक का क्लासिफिकेशन। यहाँ बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब है ईंट को बनाने के आधार पर। तो इसमें पहला आता है हमारा अनबर्नड ब्रिक, यानी कि ऐसी ईंट जो कि आधी पकी हुई हो। इस प्रकार की जो ईंट है वो पीले कलर की होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही लो होती है। इस प्रकार की ईंट का यूज़ जब हम चूने का प्लास्टर करते हैं तब वहाँ पर सुर्खी के रूप में करा जाता है, और साथ ही में इसका यूज़ जब हम RCC की फुटिंग करते हैं तो उसके सॉइलिंग के अंदर करते हैं। इस प्रकार की जो ईंट है उनको ऐसी जगह पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर रेन वाटर ना पहुँच सके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये हाफ बर्न है, यानी कि पूरी तरीके से पकी नहीं है, और अगर ये ईंट रेन वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये बहुत जल्दी डिके हो सकती है। डिके मतलब बहुत जल्दी इसका विघटन हो सकता है। सेकंड ब्रिक हमारी बर्न ब्रिक। बर्न ब्रिक वो होती हैं जो कि भट्टे में अच्छी तरीके से पकी होती हैं। जो भी हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक है वो सारी बर्न ब्रिक के अंतर्गत आती है। थर्ड कैटेगरी इसके अंदर ओवर बंट और झामा ब्रिक। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है ओवर बंट, यानी कि ऐसे ब्रिक जो ज़्यादा बर्न हो गई है। ऐसे ब्रिक जो जब हम इसको भट्टे में पकाते हैं और जो
आग के ज़्यादा करीब रहती हैं और ज़्यादा समय तक आग के कांटेक्ट में रहती हैं, तो जो ऐसी ब्रिक है वो विट्रीफाइड हो जाती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं ओवरबर्न या झामा ब्रिक के अंदर। ज़्यादा देर तक फायर के कांटेक्ट में रहने के कारण इनकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक से ज़्यादा होती है या ये कहें उनके बराबर ही रहती है। इस प्रकार की ब्रिक का यूज़ हम लाइम कंक्रीट के अंदर करते हैं और साथ ही में अगर हमको कंक्रीट का कोई स्लैब डालना हो या बीम डालनी हो जो कि कांटेक्ट के वाटर के कांटेक्ट में ना आए, उसके वहाँ भी हम ओवन बेंट और झामा ब्रिक का यूज़ करते हैं। साथ ही में झामा ब्रिक का यूज़ हम जब हम सड़क पे खड़ंजा बिछाते हैं, जैसे आप गांव की सड़कों पर गए होंगे तो आपने देखा होगा ईंटों की सड़क बनी होती है, कच्ची सड़क, उसको हम खड़ंजा बोलते हैं, तो वो जो ईंट होती है वही झामा ब्रिक होती हैं बिकॉज ये विट्रीफाइड होती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारी अनबर्न्ड ब्रिक है जो कि येलोइश कलर की है, ये हमारी बर्न्ड ब्रिक है जो कि अच्छे तरीके से पकी हुई है, ये हमारी ओवन बर्न्ड और झामा ब्रिक जो कि ज़्यादा पकने के कारण हल्की सी ब्लैकिश या ब्लूइश हो चुकी है। इसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर ब्रिक कितने टाइप की होती है। तो इसमें पहला हमारा एक्सट्रूडेड ब्रिक। एक्सट्रूडेड ब्रिक का क्या मतलब है, एक्सट्रूजन एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है, यहां मैं लिख देता हूं एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन प्रोसेस में होता क्या है, एक डाई होती है और एक रैम होता है, और जो डाई की जो शेप होती है वो ईंट के आधार की होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपका टूथपेस्ट है, जब आप टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालते हो तो जैसा कि टूथपेस्ट की ओपनिंग है वो सर्कुलर है, तो जो आपका पेस्ट है वो भी कैसा निकलता है, सर्कुलर। तो इसी तरीके से हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। तो एक्सट्रूडेड ब्रिक क्या होती है, इसमें एक डाई होती है जिसकी जो शेप है वो ईंट के तरीके से होती है, और उस ईंट का जो हमारा आउटपुट निकलता है वो एक कॉलम के रूप में निकलता है, यानी कंटिन्यू ईंट की शेप का कॉलम बनता रहता है, और बाद में हम उसको वायर के माध्यम से अपनी डिज़ाइन साइज में काट लेते हैं और फिर हम उसको भट्टे में पका लेते हैं। तो इस टाइप की ब्रिक कहलाती है हमारी एक्सट्रूडेड ब्रिक। इसके बाद आता है हमारा मोल्डेड ब्रिक। मोल्डेड ब्रिक में क्या होता है, ऐसी ब्रिक जो कि हम हाथ से मोल्ड करते हैं वो कहलाती है हमारी मोल्डेड ब्रिक। मोल्डेड ब्रिक हम हाथ से बनाते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो भी कम रहती है, क्योंकि छोटी जो ईंट है वो तो आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर हमको दूसरी साइज और शेप की ईंट चाहिए तो उसके लिए पहले से हमको ऑर्डर देना पड़ता है। तो इसलिए जो 50 से 65 mm की ईंट है वो तो कभी भी आप ले सकते हैं मोल्डेड ब्रिक, लेकिन अगर आपको कोई अदर साइज और शेप की चाहिए तो आपको पहले से ही एक या दो महीने पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तब आपको मोल्डेड ब्रिक मिल पाएगी। इसके बाद आता है हमारा ड्राई प्रेस्ड ब्रिक। इस प्रकार की जो ब्रिक है इसमें हम क्ले को मोल्ड के अंदर कंप्रेस करते हैं और हमारी उससे बनती है ड्राई प्रेस्ड ब्रिक। ड्राई प्रेस्ड ब्रिक की जो पहचान है वो ये है कि इसके दोनों ओर फ्रॉग बना होता है। फ्रॉग का मतलब होता है दिल्ला, हिंदी में उसे दिल्ला बोलते हैं, जब आप पिक्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस ड्राई प्रेस ब्रिक के दोनों ओर फ्रॉग बना होता है, लेकिन एक तरफ जो फ्रॉग है वो डीप होगा और जो सेकंड तरफ जो फ्रॉग है वो थोड़ा शैलो होगा। आप इस पिक में देख सकते हैं यह है एक्सट्रूडेड ब्रिक जिसके अंदर होल दे रखे हैं, ये हमारा मोल्डेड ब्रिक या आपका ईंट बनाने का मोल्ड है, और इससे जो ईंट बनी है वो ये है। इसके बाद आप देखेंगे ये है ड्राई प्रेस्ड ब्रिक, और ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है हमारा फ्रॉग, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, दिल्ला। इसके बाद आता है हमारा रॉ मटेरियल के आधार पर ब्रिक कितने टाइप की होती है। तो इसमें पहला हमारा बर्नड क्ले ब्रिक। ये वो नॉर्मल ब्रिक हैं जो हम आम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक जो हमने इससे पहले के स्लाइड्स में देखी थी, वो ब्रिक हैं जो कि हमारी
बर्न क्ले ब्रिक होती हैं। इसमें हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं और बाद में उसमें भट्टे में ले जाते हैं, वहाँ पर हम सुखाते हैं। इस प्रकार की ब्रिक का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन के यूज़ में करते हैं और बाद में उसके ऊपर हमें प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो हम घर बनाते हैं वहाँ पर हम बर्न क्ले ब्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में हम पहले क्या करते हैं, दीवारें बनाते हैं और फिर दीवार के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं। तो घर में जो भी ईंट यूज होती है वो हमारी बर्न क्ले ब्रिक होती है। इसके बाद आता है हमारा फ्लाई ऐश क्ले ब्रिक। इस प्रकार की जो ब्रिक है उसके अंदर फ्लाई ऐश होती है और क्ले होती है, और फ्लाई ऐश और क्ले इन दोनों को आपस में मोल्ड करके 1000 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि फ्लाई ऐश होता क्या है। तो फ्लाई ऐश जो भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं जब उनमें कोयला जलता है तो उसकी जो राख है उसको ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं। इस प्रकार की जो ईंट है इनके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसके अंदर सेल्फ सीमेंटिंग का जो गुण है वो आ जाता है। और जब ये वाटर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तब ये फैल जाती है। इस प्रकार का जो ब्रिक है वो नॉर्मल ब्रिक के मुकाबले लेस पोरस, यानी कि उसके अंदर जो पोरोसिटी है बहुत कम होती है। फ्लाई ऐश क्ले ब्रिक की जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होती है और इसके ऊपर प्लास्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आते हैं हमारी फायर ब्रिक। इसको हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक भी कहते हैं। फायर ब्रिक जैसे कि नाम से ही लगता है कि ऐसी ब्रिक जो कि फायर के कांटेक्ट में आकर काम करने के लिए बनाई गई हो। स्पेशली हमारी जो भट्टी होती है, हमारी जो चिमनी होती है, हमारी चिमनी और जो भट्टी के अंदर ईंट यूज़ करी जाती है वो हमारी फायर ब्रिक होती है। क्योंकि इस ब्रिक के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी अपनी जो शेप, साइज और स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रखती है। इसके बाद आती है हमारी कंक्रीट ब्रिक। कंक्रीट जैसे कि नाम से ये है कि ये कंक्रीट से बनती है और ये ऐसी ईंटें जो कि बहुत ही कम जगह पर यूज होती है, क्योंकि इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है। इसका यूज़ कहाँ होता है? कंक्रीट ब्रिक का यूज़ हम करते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स के ऊपर और नीचे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर डैम्प प्रूफ कोर्स होता क्या है। तो डैम्प प्रूफ कोर्स होता है एक ऐसी लाइनिंग जिसके ऊपर मॉइस्चर ना जाए। साथ ही में कंक्रीट ब्रिक का यूज़ हम फेंसिंग के अंदर भी करते हैं और साथ ही में जो हमारा इंटरनल ब्रिक वर्क है उसके अंदर भी हम कंक्रीट ब्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड रिडक्शन और हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण हम इसका यूज़ फेंसिंग और इंटरनल ब्रिक वर्क के लिए भी करते हैं। कंक्रीट ब्रिक का एक और नाम है जिसको हम मोर्टार ब्रिक भी कहते हैं। कंक्रीट ब्रिक के अंदर अगर आप पिगमेंट का यूज़ करें तो अलग अलग कलर की ईंट आप ले सकते हैं। इसके बाद आता हमारा सैंड लाइम ब्रिक। सैंड लाइम ब्रिक बनती कैसे है? इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं जिसको मिक्स करके इसका मोल्ड करता है। वो तीन कंपोनेंट क्या हैं? सैंड, फ्लाई ऐश एंड लाइम। इन तीनों को मिक्स करके जब हम ईंट बनाते हैं तो वो ईंट बनती है हमारी सैंड लाइम ब्रिक। जब भी हम इसकी मिक्सिंग करते हैं तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इसको एक मजबूत बॉन्ड प्रदान करता है। इस प्रकार की जो ईंट का जो कलर है वो ग्रेइश होता है और इस प्रकार की ईंट एस्थेटिक व्यू के लिए यूज़ करी जाती है। इस प्रकार की ईंट का जो फिनिश है वो स्मूथ होती है और साथ ही में इसके ऊपर किसी भी तरीके की प्लास्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही में इस ईंट का यूज़ हम उन जगह पर भी कर सकते हैं जहां पर हमारा लोड बेयरिंग मेंबर, यानी कि जिस कंपोनेंट पर हमारे कंस्ट्रक्शन का भार आ रहा है उस जगह पर भी हम सैंड लाइम ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं।
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कौन सी ब्रिक कैसी है, जैसे कि यह बर्न क्ले ब्रिक, यह हमारी फ्लाई एस क्ले ब्रिक, यह हमारी फायर ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन के आधार पर ब्रिक कितने टाइप की हो सकती है। तो पहला हमारा फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक, जैसा कि इसके नाम से पता है कि जो फेस के सामने आए उसको हम कहते हैं फेसिंग ब्रिक। तो फेसिंग ब्रिक एक ऐसी ब्रिक है जो कि स्टैंडर्ड साइज की होती है और बाकी ब्रिक के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बाकी ब्रिक के मुकाबले ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इसका जो कलर है वो रेड होगा या ब्राउन होगा, क्योंकि रेड और ब्राउन कलर से जो ईंट का एस्थेटिक लुक है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। बहुत सारे टाइप की फेसिंग ब्रिक अलग अलग टेक्नोलॉजी से यूज़ करी जाती हैं। फेसिंग ब्रिक का जो यूज़ है वो ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर हमारा जो वेदर है वो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना डाल सके, या ये कहें फेसिंग ब्रिक जो है हमारी वेदर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इस पर पानी का और हवा का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम इसको जो घर के बाहर वाली दीवार है उसको उस पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा बेकिंग ब्रिक। बेकिंग ब्रिक के अंदर कोई स्पेशल ऐसा फीचर नहीं होता है, इसको हम फेसिंग ब्रिक को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक है ये फेसिंग ब्रिक है, यानी कि ये आपके घर के बाहर की दीवार है जिसको आपके घर के बाहर जो लोग हैं, आम लोग जो चलने वाले हैं सड़क पर, वो देख सकते हैं और एस्थेटिक व्यू के कारण ये काफ़ी अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं चूँकि ये घर के बाहर है तो इस पर हवा, धूप, बारिश का पानी सबका इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन चूँकि ये काफ़ी मजबूत होती है और वेदर रेजिस्टेंट होती है इसीलिए इसका यूज़ हम फेसिंग ब्रिक के यूज़ में करते हैं। अब आप देखेंगे ये है बेकिंग ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये है बेकिंग ब्रिक, और ये जो ब्रिक है आगे ये है हमारी फेसिंग ब्रिक। जैसे कि हमने पहले बताया बेकिंग ब्रिक के अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, ये क्या होता है केवल फेसिंग ब्रिक को सपोर्ट देने के लिए यूज़ करी जाती हैं। इसके बाद आता हमारा वेदर रजिस्टिंग कैपेबिलिटी के आधार पर ब्रिक कितने टाइप की होती हैं। तो पहले ये हमारी सीवियर वेदर ग्रेड, यानी कि ऐसी ब्रिक जो कि ऐसे मौसम में भी काम करें जहाँ का मौसम सीवियर होता है, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर हम सीवियर वेदर ग्रेड ब्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जो ब्रिक है किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रजिस्टिव बनाई जाती है। सेकेंड हमारी मॉडरेट वेदर ग्रेड, इस प्रकार के ब्रिक हम ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और ये हाई टेम्परेचर पर अपनी जो शेप साइज या ये कहें अपने आप को मेंटेन करके रख सकती हैं। इसके बाद आती है नो वेदर ग्रेड, यानी कि ऐसी ब्रिक जिनके अंदर कोई भी वेदर रजिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं और ये केवल उन जगह पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको इनसाइड वाल बनानी हो, यानी कि ये जो वेदर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट ना आ पाए। इसके बाद आता है हमारा रीजन के आधार पर, यानी कि कौन सी ब्रिक कहाँ पर मिलती है उसके आधार पर भी ब्रिक का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि पहली ब्रिक हमारी क्रीम सिटी ब्रिक, ये ब्रिक कहाँ से आई है, ये ब्रिक मिलवॉकी और विस्कंसिन इन जगह पर पाई जाती है या इन जगहों पर इनका प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रीम सिटी ब्रिक। डच ब्रिक, ये नीदरलैंड की ब्रिक है। नानकशाही ब्रिक, ये इंडिया की ब्रिक कहलाती है। रोमन ब्रिक, ऐसी ब्रिक जो कि रोमन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करी जाती है वो रोमन ब्रिक कहलाती है। और स्टेफर्डशायर ब्लू ब्रिक, ये वो ब्रिक है जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है। तो ये था हमारा ब्रिक का क्लासिफिकेशन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिक की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम ईंट की क्वालिटी को पता कर सकते हैं। तो अगर आपको चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।